भाई बहन के प्यार का प्रतीक राखी का त्योहार बरनाला के जेल में भी मनाया गया। इस त्योहार के समय बरनाला की जेल में बहनों ने अपने बंदी भाइयों को गुट पर राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की, साथ ही रिहाई के लिए दुआ भी की। बहनों ने इस समय खुशी का इजहार भी किया और अपने भाइयों को जेल में राखी बांधते के समय इमोशनल भी होती रही। बंदी भाइयों ने अन्य लोगों को नशे व क्राइम से दूर रहकर घर में बहन भाइयों का त्योहार राखी बंधन मनाने की दुआ की। इस समय जेल विभाग की तरफ से बंदियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए हुए थे। तेरा तो बहुत ही अजीब लगता जी, क्योंकि नवी गल पहली बार आए हैं इतने, कुदरती हालात करके आना पै गया, पर त्यौहार तो मनाने पैना, भैन तो भैन ही होंगे, भैन का वीर ना मोह प्यार है जरा ये परमात्मा सब का साडे वगू बनाई रखे। इस तरह सब मतलब दुनिया में यही अरदास करते हैं कि भैन भरा का मतलब जो रिश्ता गा उन्होंने बरकरार रखन, यदि मतलब कोई कि भी हो जेल च है कोई घर है पर रिश्ते मजबूत करने की लड़ है। हालात बंदे तो आते रहते हैं माड़े चंगे हालात, टाइम के हिसाब न परमात्मा के हिसाब न भी चलना पैंता जी। जेल सुप्रिंटेंडेंट कुलवंत सिंह ने कहा, राखी के बंधन के समय इमोशनल होना एक तरफ बहन भाई के प्यार का जज्बात होते हैं। उन्होंने कहा कि जेल विभाग का यह उपराला जेल बंदियों में सुधार लाने के लिए किया गया है। यह है भी जो भैन ते भरा का पवित्र त्यौहार है इनू असी साल विच एक दिन याद करते हैं और एक दिन विलखण दिन होंगे। मैं देखिया कई भैं जो भरा दे रखड़ी बन आ तो जज्बातों के बह के उन्होंने दोनों के ही अखों के अथरू बहते हैं। ये भैन तो प्या भैन तो भरा दे प्यार दे प्रतीक अखो जिहड़े अथरू होंगे ने तो भी बीबीरे तू इत्थे है तो मैं फिर भी तेरे वास्ते देखो मैं रखड़ी लैके आई हाँ, बड़ा एक इमोशनल माहौल जहा बन जाता है। बरनाला से मनोज शर्मा, जीवे पंजाब टीवी।